नमस्कार साथियों, मंदिर दर्शन विद शर्मा जी में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम जा रहे हैं डाट काली माता मंदिर, जो कि देहरादून के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। और ये मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। और काली माता को माता सती का अंश माना जाता है, जो कि भगवान शिव जी की पत्नी है। साथियों, ये मंदिर देहरादून से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो सहारनपुर देहरादून हाईवे पर स्थित है। और आप देख सकते हैं, अगर हमें मेन हाईवे जाना है तो हमें सीधा जाना होगा, लेकिन मंदिर के लिए जाने के लिए हमारे को लेफ्ट हैंड टर्न करना होगा। ये ओल्ड रोड है। साथियों, हमारे देहरादून में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। जब भी कोई नया व्हीकल खरीदता है तो इस माता के मंदिर में ज़रूर आता है चुन्नी बंधाने के लिए। और अभी हम आ गए हैं भद्रकाली मंदिर। साथियों, डाट काली मंदिर की स्थापना 13 जून 1804 ईस्वी में हुई थी। साथियों, जो देहरादून से आते हैं श्रद्धालु, वो पहले इस मंदिर में माथा टेकते हैं, उसके बाद काली माता मंदिर के दर्शन करते हैं। साथियों, माना जाता है जब अंग्रेज़ लोग देहरादून आने के लिए लाख कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब भी वो सक्सेस नहीं हो पाए, तो उन्हें भी माता के दर्शन और माता के आगे शीश झुकाना पड़ा, तब जाके वो सफल हो पाए। उसके बाद ही इस सुरंग का निर्माण हो पाया। इसी सुरंग के कारण इस मंदिर का नाम डाट काली है। और साथियों, हम मंदिर आ चुके हैं, आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से मंदिर का दर्शन कराने की कोशिश करूंगा। और ये मंदिर के पास पार्किंग एरिया है, यहाँ आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। साथियों, इस मंदिर में भी फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है, पर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको माता के दर्शन करा सकूं। आप सामने देख सकते हैं, यह माता की मुख्य तस्वीर है इस मंदिर की। साथियों, इस मंदिर में हर शनिवार और इतवार को भंडारे का आयोजन किया जाता है। और साथियों, इस मंदिर में हर साल जागरण का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें लगभग 4-5 लाख श्रद्धालु आते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ मिल जाएगी।
और साथ ही यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और वीडियो समाप्त होने वाली है, इसीलिए आप एक बार और माता के दर्शन कर सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, यहाँ आप अपने व्हीकल से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये हाईवे है, तो यहाँ पर आपको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए साथियों, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में एक नए मंदिर दर्शन के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय डॉट काली माता की।